मुद्दा चल रहा है MMLA कब्रिस्तान का, तो वो कब्रिस्तान का मुद्दा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो मुमरा में छोटे मोटे दूसरे कब्रिस्तान है तो कहीं ना कहीं उनका मुद्दा दब जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि शमशाद नगर में जो बोरी कब्रिस्तान है, अभी जब पानी भरा था तो वहाँ पर भी कमर तक पानी भरा हुआ था, और कहा जा रहा था कि 3-3 मैयतें उन्हें वहाँ न दफनाते हुए कौसा कब्रिस्तान लाना पड़ा। तो इस बारे में आप मुबारकबाद दूंगा व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप ने डेवलप किए, आवार साहब को मुबारकबाद दूंगा, खुशी की बात है, बर्थडे में आप मुबारकबाद, उनको तोहफा मिला है, आवाम ने उसको तो उनको तोहफा दिया, आवार साहब को मुबारक है उनके लिए, मैं अभी भी मुबारकबाद दे रहा हूँ उनको कि उन्होंने इतना डेवलप किए है मुमरा में कि कब्रिस्तान हमारा तो छोड़ो, हमारा तो नौ लाइन में और वो बोरी कब्रिस्तान में तो डेवलप किए हुए हो, तो ये तो आवार साहब और नगर सेवक साफ ही कर रहे सब, उनके नगर सेवक सब क्या बोल रहे, साफ ही कर रहे, तो हम भी वही बोलेंगे सब साफ कर रहे, साफ ही कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, साफ ही कर रहे हैं, तो इसका भी जवाब साफ ही देंगे। और लोग कब्रिस्तान कर रहे हैं, एक कब्रिस्तान जो बाईपास के पास पड़ा हुआ है वो कब्रिस्तान क्यों नहीं चालू कर रहे, उधर भी उनके नगर से हो गए, एक नहीं दो नगर से, दो नहीं चार नगर से हो गए, वो कब्रिस्तान क्यों नहीं चालू कर रहे, उसके बावजूद भी वहाँ क्या बोलते इसको देवड़ी पाड़े पे कब्रिस्तान था जिसके लिए चंदा निकाला गया, इनके नगर सेवक लोग से पूछो कि वो चंदा किस लिए निकाला गया था, वो कब्रिस्तान का अभी तक के किसी ने ओपन नहीं किया, लोग ये कब्रिस्तान के बाद वो चिल्ला रहे, हमें तो सब कब्रिस्तान चाहिए, क्योंकि मुसलमान माशाल्लाह मुमरा में इतने हैं कि उनको एक और दो कब्रिस्तान नहीं चलेगा, उनके लिए कम से कम 4-5 कब्रिस्तान चाहिए, और 4-5 कब्रिस्तान में एक तो बाईपास का पड़ा हुआ इसी लास्ट में आप ये देख लेना उस पर भी बिल्डिंगें बन जाएंगी, उसके बाद में आप देख लें देवरी पाड़े पे कॉलेजें बन जाएंगी वही कब्रिस्तान पे, इंक्वायरी निकालो आप मीडिया के माध्यम से, इंक्वायरी निकालो, देवड़ी पाड़े का चंदा निकला था कि नहीं कब्रिस्तान का, आज उधर स्कूल या कॉलेज बन जाएगी, निकालो इंक्वायरी। तो उसके बाद में वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो कब्रिस्तान किधर गए, तो ये सब साहब अच्छा काम कर रहे ना, साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इनके नगर सेवक कमा रहे हैं, इनके नगर सेवक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके नगर सेवक से साहब से, क्योंकि हर काम तो साहब ही करते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, साहब ही बोलेंगे, साहब ही जवाब देंगे उसके बारे में। तो गनी भाई आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मुमरा का जो बाईपास है, तो जब रेती बंदर से हम उसमें दाखिल होते हैं तो उसमें जगह जगह पे सलिए बाहर निकल गए हैं और वो पूरी तरह से उसकी हालत खस्ता है, और जब उसकी ओपनिंग हो रही थी तो उस वक्त दो राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी हुई थी कि हम इसका क्रेडिट लेंगे, तो अभी खराब है तो इसका क्रेडिट किसको लेना चाहिए। देखो जब शिवसेना काम करती है तो लोग करते हैं आवाज साहब काम किया, उनके नगर से बोलते हैं आवाज साहब काम किया, तो ठीक है ना आवाज साहब ने काम किए ना, तो अभी आवाज साहब को बोलो ना कि वो रास्ता भी बना के दिखावे, आवाज साहब आपके एमएलए उनके भी हमारे भी एमएलए साहब है, हमारे क्षेत्र के हमारे भी एमएलए साहब है, लेकिन क्रेडिट कौन लेता ये पहले देखो, अगर शिवसेना काम करके दे रही है तो लोग क्या बोल रहे हैं कि आवाज साहब काम कर रहे हैं, तो ये सवाल आप हमसे पूछने के बदली आवाज साहब से पूछो और आवाज साहब के नगर सेवक से पूछो कि ये काम अभी कौन करके देगा। जी बिल्कुल, और ये बात के लोगों ने इतने वहाँ पे हादसात हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि उसे खूनी बाईपास का नाम दे दिया गया, बस क्या खूनी बाईपास बोल के उसको चुप बैठ जाना ठीक है। देखिए मैं शिवसेना के माध्यम से करूँगा जो कहना कहूँगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब और श्रीकांत शिंदे साहब ये काम में एकदम सक्षम है और उनके क्षेत्र छाया में हम काम करते और हमको सिर्फ काम किया, हमने पहले ही बोला है कि उदय साहब ठाकरे ने हमको यही बोले कि 80% काम हमारे बालेट साहब ठाकरे ने, उन्होंने भी हमसे यही बात की थे, हमारे जो साहब थे जो वरिष्ठ साहब थे और उनके नक्शे कदम पे हर कोई सीखा और हमारे भी हम भी उन्हीं से सीखे हुए, तो बोलने मतलब हमारे जो आदित्य ठाकरे साहब आज वो जो काम कर रहे और हमें एक ही बात हमेशा बोले कि 80% काम करना है और 20% पॉलिटिक्स करना है, तो हम सिर्फ 20% ही पॉलिटिक्स करते, हम इसीलिए रस्ते पे उतरे, फोटो निकाल लिए, कब्रिस्तान के बारे में बार बार चले गए, किसी को भी गाली देना, किसी को भी उल्टा सुल्टा बोलना, ये हमारा काम नहीं, ये सुशी ने कभी नहीं करेगा और फुगड़ की पॉलिटिक्स तो लेगा नहीं, और उसके बाद में नौ लाइन का काम था, ये काम किसका था, आवाज साहब ने किए, ये कुछ नहीं बोला, आवाज साहब के नगर सेवक बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं, ये आपने सुने होंगे, तो उन्हीं से पूछो कि आज बाईपास का तो छोड़ो, आप कब्रिस्तान ही देख लो ना, कब्रिस्तान में हजी अरफात आके चले गए, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, आज उनके पास खुद के पास पावर है कि नहीं उनको खुद को भी नहीं मालूम होगा, नहीं तो अगर होता तो आज वो जो बोल कर गए तो आज उनका कब्रिस्तान आज हमारा, और कब्रिस्तान वो हमारा ही नहीं है, वो हजी अरफात साहब का भी है, वो चाहे तो वो भी आके बना सकते थे,
लेकिन खाली बोल के चले गया जो गटर का पानी आ रहा है, अच्छा कब्रिस्तान दिए तो अच्छा कब्रिस्तान में गटर का पानी कैसा आया। लव नान की जगह पे कभी कब्रिस्तान बनता है क्या? आपके मीडियम के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, लव नान की जगह पे कभी ये कब्रिस्तान बनता है क्या? उसके बाद छोड़ा म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल देख लो, उसको प्राइवेट कर दिए तो ये हमने किए क्या? प्राइवेट हमने किए। उसके बाद ना वो छोड़ो, टोरंटो आ रही है, टोरंटो की हमारे माध्यम से आ रही है क्या? टोरंटो के लिए हम आज भी आंदोलन करने तैयार है और कल भी करेंगे और इंशाल्लाह हमेशा करेंगे, और हमको करना ही है करना है। टोरंटो के बारे में आंदोलन हम करेंगे, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम आंदोलन चालू रखेंगे हमारा ये। तो इन सब मसलों पे जो अभी यंग MP है हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, तो क्या आपके माध्यम से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये बाईपास का मसला है, जो दूसरे मसाइल आपने बताए, मुमरा के हॉस्पिटल का मुद्दा हो गया, जो भी मुद्दा, तो इसमें जल्द से जल्द कुछ आगे की तरफ काम का, इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का कुछ रास्ता निकलेगा, ये उम्मीद रखी जाए? देखो श्रीकांत शिंदे साहब, उनका रोड का काम है, वो अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। लेकिन काम करने से पहले आप ये देखो कि 12 बजे के बाद कौन वहाँ पे पहुँचता है। पहले आप ये देखो कि 12 बजे के बाद कौन है, हमेशा आप देखो काम कौन करता है। जब रोड अच्छा बनता है तो NCP के नगर से पहुँच जाते कि हमने किया, हमारे साहब ने किया। उस टाइम पे कोई बोलता है कि सेना ने किया। अब रोड खराब है तो लोग उंगली उठा रहे कि सेना के ऊपर। लेकिन जब काम चालू था, आज चौपाटी बन रही है, ये किसके माध्यम से बन रही है? आज इतना अच्छा रोड रेती बंदर का बना था चौपाटी का, ये किसके माध्यम से बना था? अभी पूछो तो आप बोले वो NCP के आदमी लोगों ने, हमारे साहब ने बनाया। ठीक है, साहब ने बनाया ना, तो आज हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं NCP के नगर सेवक लोगों को, और मैं NCP के चैलेंज करता हूँ, अगर ये लोग अगर रोड का काम करके दिखा देंगे, ये लोग काम करके दिखा देंगे हमारे बिना शिवसेना के माध्यम से, तो हम उनको मानेंगे। तो गनी भाई, आखिरी सवाल आपसे कि अभी इलेक्शन का वक्त है, MLA के इलेक्शन का वक्त है, असेंबली इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। तो शिवसेना जो पार्टी है, इसके ताल्लुक से मुसलमानों में बहुत सी गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं, क्योंकि जिस सतह पर काम होता है, जो बाला साहब की शख्सियत है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक कदावर लीडर थे, महाराष्ट्र के, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और अगर उन्हें आलमी सतह पर, वर्ल्ड इंटरनेशनल सतह पर भी देखा जाए तो वो जानी मानी शख्सियत है। तो मुमरा के मुसलमानों से जिन्हें एक गलत फहमी है शिवसेना के ताल्लुक से, तो आपका क्या पैगाम है उनके लिए? देखो पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ, आप कभी भी देखिए इलेक्शन आने दो या इलेक्शन से एक महीना पहले, ये बार बार मीडिया वालों के माध्यम से बोला जाता है कि ये शिवसेना को वोट देंगे तो ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, ये लोगों के दिल में फुतूर फैलाया जाता है और लोगों को गलत फहमी में डाला जाता है कि शिवसेना गलत है। अब हमारी हम बता रहे, अगर वहाँ सेना अगर गलत होती तो हमारे कामगार सेना संगठना में 90% मुसलमान लोग हैं, और खाली मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं है, मुमरा में भी मेरे 200 पदाधिकारी है। अगर सेना में अगर ऐसा कुछ होता तो लोग सेना से जुड़ते नहीं। आज मुंबई में भी सेना में लोग जुड़ रहे, क्यों नहीं VGP में जा रहे? क्योंकि उनको पता है कि सेना हमारे लिए सेफ है और सेना कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगी। हमारे बाला साहब ठाकरे ने ये हमेशा हमें सिखाया है कि मिल बांट के रहो। हम 80% पॉलिटिक्स नहीं करते, हम 20% ही पॉलिटिक्स करते और 80% हम काम करने वाला काम करते। हम जब देखो, जब नाले में उतर के साहब ने किया, हम फुटपाथ पे उतर गए साहब ने किया, हमने कुछ उद्घाटन किया साहब ने किया, किधर नारियल फोड़ दिया साहब ने किया, तो भाई सब साहब ने किया, तो नगर सेवक क्या कर रहे हैं आज तक? मतलब यहाँ के नगर सेवक किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर किसी के लिए कुछ करते ना तो आज बर्थडे नहीं मनाया जाता, वहाँ पे मुसलमान लोग मरते नहीं, वहाँ पे मुसलमान लोग 3-4 दिन परेशानी में थे लेकिन वहाँ कोई देखने नहीं गया। मुमरा स्टेशन पे परेशानी में थे, वहाँ कोई देखने नहीं गया। उसके बाद दीवा में इतनी परेशान थी, आज तक के कोई देखने नहीं गया। और यहाँ लाखों रुपये और करोड़ों रुपये के बैनर लग रहे और उनके लिए 5 रुपये के लिए कोई खाना लेके नहीं गया।